जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सभी शानदार जबरदस्त होंगे और बिहार पुलिस कांस्टेबल का कंसिस्टेंटली एकदम ईमानदारी से तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, अभी 1275 दरोगा का फिजिकल चल रहा, यहाँ से बहुत सारे फैक्ट बाहर निकल रहे हैं, जैसे कि स्पेशली डॉक्यूमेंट्स को लेकर, एनसीएल ईडब्ल्यूएस को लेकर बहुत सारे बातें हो रही है, क्योंकि अभी आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है फिजिकल के समय, और साथ साथ फिजिकल में बहुत सारे लड़के आउट हो रहे हैं छोटे छोटे रीजन के वजह से। तो कहीं ना कहीं इससे आपको सीख लेने की जरूरत है। जो भी बिहार पुलिस 21,391 का फॉर्म भरे हैं या फ्यूचर में आने वाली वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनको डॉक्यूमेंट्स प्लस फिजिकल प्लस रिटर्न हर चीज पे ध्यान देना होगा, क्योंकि बिहार पुलिस दरोगा का और कॉन्स्टेबल का दोनों का फिजिकल सेम है, मतलब कि सारे प्रोसेस सेम है लगभग, और इसके साथ साथ एग्जाम का पैटर्न भी आपको लगभग सेम देखने को मिलता है। बस ये है, दरोगा में दो एग्जाम होती है और कॉन्स्टेबल में एक ही एग्जाम देखने को मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं सब कुछ सिमिलर है भाई साहब, सब कुछ आपको सेम करना पड़ता है। अरे 6 मिनट में इधर कॉन्स्टेबल में दौड़ना है तुमको और दरोगा में 6.5 मिनट लग रहा। बस ये है कि फिजिकल पे आपकी मेरिट बनती है कॉन्स्टेबल का, लेकिन दरोगा का जो है आपका रिटेन पे मेरिट बनती है। तो अभी देखिए क्या है जिसके बारे में आपको समझना है। कहीं ना कहीं कि बिहार पुलिस 21,391 जो भी फॉर्म भरा है, किसी भी तरह का वीडियो बनाओ, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड तो जरूर कमेंट आते हैं कि हमारा ईएडब्ल्यूएस इस समय का है, एनसीएल इस समय का है, ये सारी कमेंट बहुत ज्यादा आती है। तो मैं आपको बता दूं फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन कि अभी बिहार पुलिस का फिजिकल हो रहा है। खैर, फिजिकल के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, कितने लड़के फेल पास हो रहे हैं, जिनको भी देना है या फ्यूचर में जिनका आने वाला है, सबको ये जानने की जरूरत है। देखिए, एनसीएल और स्पेशली मतलब ये ओबीसी और ईबीसी के लिए है और ईडब्ल्यूएस, बाकी एससी एसटी वालों को कोई बखेड़ा नहीं है, मेन बखेड़ा तो इन्हीं लोगों का है। देखिए, आपका जैसे कि सारा फिजिकल कंप्लीट हो जा रहा है, जितनी फिजिकल एक्टिविटी है आपका कंप्लीट हो जा रहा है, कंप्लीट होने के बाद से जो है आपकी डॉक्यूमेंट्स और शारीरिक मेजरमेंट की जाती है। तो अभी डॉक्यूमेंट्स को लेकर कोई सीन क्रिएट नहीं किया जा रहा, मतलब जिस तरह का आपके पास डॉक्यूमेंट्स है ले लिया जा रहा, जमा कर लिया जा रहा। अगर आप चाहो तो आप बहुत लड़कों का इंटरव्यू भी देख सकते हो जो लड़के फिजिकल दे के आ रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो सीरियस लड़के हैं वो तो देख ही रहे होंगे। कहीं ना कहीं वहां पे हमारी बातें भी हुई, जहां पे वे लोग ड्यूटी कर रहे हैं, मतलब वहां पे लोग जो ड्यूटी कर रहे हैं हमारे कुछ भाई लोग, तो उनसे बातें भी हुई। तो मतलब डॉक्यूमेंट्स में कोई आपको बाहर नहीं निकल रहा। तो जो भी बिहार पुलिस 21,391 वाले जो है वो डॉक्यूमेंट्स को लेकर उतना मतलब पागल ना होके और उतना अपने आप को लेफ्ट आउट फील ना करें, ठीक है। हर चीज का सोल्यूशन है। यदि आपके पास डॉक्यूमेंट्स है जो उसके वित्तीय वर्ष की मांगी गई है, ठीक है, नहीं है फिर भी जो है आपको परेशान नहीं होना है, बस आपको कभी का डॉक्यूमेंट्स अपना बनवा लेना है ईडब्ल्यूएस एनसीएल, ठीक है। लेकिन फ्यूचर में जो भी वैकेंसी आती है उसमें ये गलती अब आपको नहीं करनी है, ठीक। तो अभी डॉक्यूमेंट्स को लेकर समस्या नहीं हो रही है, तो आपको भी समस्या नहीं होनी चाहिए। आने वाले समय में और भी पता चलेगा, जैसे कि जैसे ही इन लोगों का फिजिकल खत्म होता है, अभी तो लड़कों का हो रहा है, फिर उसके बाद लड़कियों का होगा, जैसे ही इन लोगों का फिजिकल खत्म हो रहा है, खत्म होने के बाद एक बेकायदा लिस्ट जारी होता है, जिस लिस्ट के थ्रू आपको बताया जाता है कि इतने लड़कों को फिजिकल में बुलाया गया था, इतने लड़के फिजिकल में फेल हुए, रनिंग में इतने, और नहीं तो सिर्फ फिजिकल में बताया जाता है इतने लड़के फेल हुए, डॉक्यूमेंट्स में इतने फेल हुए, चेस्ट में इतने फेल हुए, हाइट में इतने फेल हुए, ये सारी चीजें जो है आपका ब्यौरा दिया जाता है। तो ये भी मैं आपको बात बताऊंगा आने वाले समय में, लेकिन अभी फिलहाल में कोई समस्या नहीं है और कोई इसके बारे में बात भी नहीं कर रहा है कि आपके पास ये है वो है फलाना है ढिमकाना है, ठीक है। तो इसलिए जो है ये 21,000 वाले हैं ये भी परेशान ना हो, इससे बहुत सारी चीजें सीखने योग्य है। जैसे कि आपको जो है रिटर्न की तो तैयारी काफी बेहतर तरीके से करनी ही करनी है, लेकिन इसके साथ साथ फिजिकल की भी तैयारी करनी है। जितना आपको ध्यान रिटर्न पे देना है उतना ध्यान फिजिकल पे देना है, लेकिन अभी नहीं, अभी आपको सिर्फ जो है रिटर्न पे ध्यान देना है। सीएसबीसी बेकायदा अपना काम कर रहा है, अनऑफिशियल ही सही, लेकिन आपको ये जानकारी मिल चुकी है कि 7 अगस्त से कॉन्स्टेबल का एग्जाम होगा, है ना। तो आपका बहुत जल्द जो है ये ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देखने को मिल जाएगा, उसके लिए जो है अपने आपको प्रिपेयर रखना है बिल्कुल। और देखिए, छोटी छोटी बातें आपको समझनी है। सबसे पहले तो आपको पूर्णतः ध्यान अभी आपका रिटर्न पर रहना चाहिए, ठीक, क्योंकि रिटर्न ही आपका मस्ट है, क्योंकि जब तक आप रिटर्न अपना नहीं निकालिएगा तब तक कोई फायदा नहीं है आपका फिजिकल वगैरह तैयारी करने का। तो 100% में 100% लड़के कोशिश करें कि पहले रिटर्न पे ध्यान दे। रिटर्न जैसे आपका हो जाता है तो भैया फिजिकल पे आपको वाकई में ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे लड़के अच्छे से मेहनत करके एकेडमी ज्वाइन किए हुए हैं, सब कुछ किए हैं, सब कुछ किए हुए हैं, लेकिन छोटी छोटी गलती की वजह से जो है आउट हो जा रहे हैं।
सबसे पहली बात कि बिहार पुलिस के कांस्टेबल या दरोगा किसी का भी आप फिजिकल दे रहे हो तो आपकी रनिंग होल डे चलती है, 4 या 5 शिफ्ट बनाए जाते हैं और ABCDE इस तरह से रहता है और होल डे आपकी रनिंग चलती है, ठीक है। और होल डे रनिंग चलती है, ये नहीं है कि आप सिर्फ सुबेरे दौड़ लिए शाम दौड़ लिए, तो इसलिए जो है आपकी रनिंग उस कदर से तैयार होनी चाहिए कि बस आपको कभी भी दौड़ाया जाए आप दौड़ लो। और दौड़ ही बड़ी चीज नहीं है, जैसे कि आज की डेट में समस्या क्या आ रही है, गर्मी काफी है, आपको भी पता है 42-45 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रह रहा, जमीन जो है आपका गर्म रह रहा, तो आप लोग कोशिश करिए कि शूज पहन के हम लोग प्रैक्टिस करें। शूज पहन के दौड़ने पे 10-15 सेकेंड का, 5 सेकेंड का इस तरह से अंतर देखने को मिल जाता है, मतलब समय थोड़ा सा ज्यादा लग जाता है, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली इस पे प्रैक्टिस करते हैं तो शूज वाला आपको काफी बेनिफिट देगा, गर्मी हो, बरसात हो, जाड़ा हो, क्योंकि ज्यादा ठंडी भी पड़ती है तभी भी दिक्कत होता है, ज्यादा गर्मी भी पड़ती है तभी भी दिक्कत होता है। और इसका फिजिकल जहां तक है ठंडी में ही होने वाली है, नवंबर दिसंबर के आसपास, ठीक है, बिहार पुलिस का। तो इसलिए जो है आप अपने आप को ऐसे फिजिकल के लिए तैयार करो कि आप मतलब शूज पहन के तैयार करो तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा, तो ये एक आपको ध्यान रखना है अपने दिमाग में। उसके बाद से जो है हाई जंप, लॉन्ग जंप, ये कोई बड़ा इवेंट नहीं है, मतलब कि जैसे आपका रनिंग हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा, लेकिन बिहार पुलिस के साथ ये एक सीन है कॉन्स्टेबल के साथ कि आपको इसमें नंबर मिलता है, तो बेहतर से बेहतरीन करना है। तो बस मुख्यतः हमको यही बात बताना था आपको कि डॉक्यूमेंट्स को लेकर ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, जो आपके पास है रखिए बिंदास, और नहीं है तो बनवा लीजिए, लेकिन तैयारी आप लोग बिंदास करिए। उसके बाद से फ्यूचर में अगर एग्जाम आपका निकल जाता है तो रनिंग की तैयारी आपको सूझ पहन के करनी है। छोटी छोटी गलतियां लड़के कर दे रहा है जिसकी वजह से परेशानी हो जा रही है, बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो अभी रनिंग करने जा रहे हैं, उनकी तैयारी अच्छी रह रही है फिर भी वे वहां पर नर्वस हो जा रहे हैं, घबरा जा रहे हैं मौसम के वजह से, क्योंकि वो जो है प्रिकॉशन अच्छे से नहीं ले पा रहे हैं। बहुत सारे गुरु जो है बता रहे हैं कि पैरों में टेप बांधिए, बैंडेज बांधिए, तो कारीगर भी हो रहा, लेकिन बस गलती लड़के यही कर दिए हैं कि पहले शूज पे प्रैक्टिस नहीं किए हैं। बहुत सारे गांव के लड़के होते हैं जो शूज वगैरह पे प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो ये सारी समस्याएं देखने को मिल रही है। बाकी अगर आपका हाइट बढ़िया है कोई इशू नहीं है, आपका हाइट एकदम फिक्स है तो आपको कोई बाहर निकालने वाला नहीं है, चेस्ट वगैरह में जैसे आपका ठीक ठाक है, बहुत लोग कहते हैं कि हमारा चेस्ट फूलिए नहीं रहा, तो उसमें भी समस्या नहीं है यार, प्रॉपर आपको बहुत ज्यादा समय दिया जाता है, डिप्स मारो, पुल अप मारो, आपका चेस्ट आ ही जाता है, तो ये सारे इवेंट में आपको प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम बस ये है कि आप एक रनिंग निकाल लो तो आपकी लगभग सारी कुछ हो जाती है, लेकिन बिहार पुलिस में आपको हर स्टेप में मेहनत करना पड़ेगा और 100% में 100% लगाने की कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां से आपको नंबर मिलता है, ठीक। तो इस चीज को लेकर परेशान नहीं होना है, SC ST वालों को बिल्कुल परेशान नहीं होना है, NCL और EWS वाले जो भी हैं इनको थोड़ी सी ध्यान देनी है, बस अपना जो है कभी का बनवा लीजिए अगर आपका पुराना नहीं है तो, ठीक। आपको तैयारी पे ध्यान देना है, बहुत जल्द जो है आपको नई वैकेंसी भी देखने को मिलेगी। ऑल द बेस्ट।